हेलो, दिस इज द फूड हॉल वीडियो। भाई समझा रहा हूँ सीन। गाइस आई नो आपको उस वीडियो में बहुत मजे आए थे, सो दिस इज पार्ट टू ऑन योर डिमांड। यार आज मैं जा रहा हूँ मॉडर्न बाजार। खैर दिल्ली वालों को तो पता ही होगा कि मॉडर्न बाजार क्या है, काफी ब्रांचेस हैं वैसे मॉडर्न बाजार की दिल्ली में। तो जिनको नहीं पता बता दूं भाई, मॉडर्न बाजार इज अ सुपरमार्केट। बस जैसा नाम बता रहे वैसे वो थोड़ी सी मॉडर्न है। वहाँ पे इंडियन प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं और काफ़ी सारे हाई एंड इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं। तो अभी मैं वहाँ पे जाऊँगा, कुछ ऐसे सामान लेके आऊँगा जो काफ़ी यूनिक हैं, जो मैंने कभी खाए नहीं है, एंड वो आप लोगों के सामने मैं खा के इन्जॉय करूँगा। दिस इज़ व्हाट आई डू ऑन दिस चैनल, बस खाता हूँ, दिखाता हूँ और सो जाता हूँ। खैर अब भाई पहले चलते हैं, आपको थोड़े से नज़ारे दिखाता हूँ मॉडर्न बाजार के, एंड देन लेट्स ईट रिव्यू एंड रिपीट, लेट्स गो। भाई मेरी नजर पड़ी है फ्रोजन बटर चिकन पे। ओहो भाई ये तो मैं ले आऊँ। नहीं 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 मानी मैं चले गए। This is their beverage section. मैंने पहली बार लाइफ में पानी को एक कैन में देखा। This is apparently some kind of smoke water. This is their noodle section. मैं almost सारी noodles खा चुका हूँ। ये भी खा चुका हूँ, ये भी खा चुका हूँ, ये भी खा चुका हूँ, ये भी खा चुका हूँ। ये तो खा ही चुके हैं, ये भी खा चुके हैं, ये भी खा चुके हैं। All done. Chips, biscuits. Yeah, this is their baked section. पीटा क्रिस्प टमेटो जीरा कुकी, कुछ ऐसा बढ़िया सा मिल गया भाई जो मैंने खाया ना हो। इटालियन मट्टी, व्हाट इज दिस यार। मुझे स्नीकर पसंद है, मुझे मांस पसंद है, मुझे ट्विक्स पसंद है, मुझे हर्शीज पसंद है, पर मैं लूँगा कुछ भी नहीं क्योंकि मैं मोटा हो रहा हूँ। यार ये जो लेज के फ्लेवर है ना, दीज आर नॉट इंडियन, दिस इज नॉट इंग्लिश, आई एम नॉट श्योर। ये तो चिली लेमन है, इसको रहने देते हैं। दिस इज चेडर फ्लेवर, नॉट श्योर भाई फ्लेवर कौन से। ओह दिस इज समथिंग न्यू, बफेलो रैंच, ओह बफेलो विंग्स विद रैंच। गाइज एज पर माई ऑब्जर्वेशन, अगर फूड हॉल का स्कोर 10 है ना, तो मॉडर्न बाजार का स्कोर 9 है। बिल्कुल हल्का नहीं आया मॉडर्न बाजार। मतलब तुम्हें नाम से लग रहा होगी भाई ये शायद इंडियन ब्रांड है, वैसे मुझे नहीं पता इंडियन है नहीं, बट भाई देसी विदेसी दोनों आइटमें भर भर के थी और मस्त मस्त सामान लेके आया हूँ मैं। एंड इससे पहले आप मुझे जज करो कि तुषार भाई आप क्या शॉर्ट्स में मॉल चले गए थे, तो नहीं भाई जीन्स में गया था, शॉर्ट्स मैंने अभी भी पहनी, वो थोड़े खुला खुला हो गए। हाँ तो भैया चलिए शुरू करें। यार बिल बताऊं पहले कितना आया, बिल मैंने ना यहाँ रख दिया था, बिल आया है 1470 रुपये, आई डोंट नो आपको नज़र आ रहा है नहीं, बट 1470 रुपीज़। एंड बस इतना सा ही सामान है हमारे पास, ये शायद 2 दिन का सामान है मुश्किल से। ओके भाई दिस इज बन पिज्ज़ा, मतलब फूड हॉल में ना सीटिंग एरिया बढ़िया सा बना रखा था उन्होंने, मतलब सीटिंग एरिया तो कम, वो मुझे 5-स्टार डाइनिंग एरिया लग रहा था, बस यहाँ पे सीटिंग एरिया नहीं था, मतलब था 2-3 उन्होंने चेयरें लगाई हुई थी, 2-3 टेबलें थी, बट इतना कोई फैसिनेटिंग नहीं था, खैर उसकी ज़रूरत भी नहीं थी। एंड वहाँ पे पिज्ज़ा था, वहाँ पे पिज्ज़ा तो खैर आपने देख ही लिया है, मतलब वहाँ पे नॉर्मल वाला पिज्ज़ा भी था, फ्रेश फ्रेश आया था बनके, और पैटीज़ वगैरह थी। बस मॉडर्न बाजार में वो एक्सटेंसिव बेकरी नहीं थी जैसे फूड हॉल में थी, था तो बहुत सारा सामान, बट अभी भाई पिज्ज़ा पे फोकस करते हैं। ओहो ओहो क्या वाइब आ रही यार इसके अंदर से। ओके ओके यार नीचे आलू है, ओए चेक दिस आउट, तो आलू वाले बन के ऊपर इन्होंने पिज्जा का शशका मारा हुआ है एंड फिर इसको बेक करके हमें दिया है, और ओरिगानो भी डाल रखा है भाई। ओहो हो पूरी पूरी आलू पिज्जा वाइब। एक महान चीज दिखाता हूँ जो मैं लेके आया हूँ, ये पढ़ के आपको क्या लग रहा है तुषार भाई,
दारू पीने वाले हो क्या आप? नहीं भाई, दिस इज सम काइंड ऑफ अ स्मोक्ड वाटर, एंड जिंदगी में पहली बार पानी मैंने इस कैन के अंदर देखा है। मतलब दो चीजें हो सकती हैं भाई, या तो सच में इसके अंदर कोई अलग ही शशके हैं, या फिर भाई कुछ भी वाला सीन है। तो ये तो पी के ही पता चलेगा। कर लो गाड़ी बैक कर लो, पहले तुम कर लो फिर मैं बाद में खोल लेता हूँ। A few moments later. अरे बैक हुई नहीं क्या मेरे भाई? यही दिक्कत है दिल्ली में रहने की। ओके, हो गई बैक। ओह यार, ये सुना रहा था मुझे आपको। अबे भाई ऐसा लग रहा है नलके वाला पानी इसके अंदर डाला हुआ है। सही में इतना हार्ड है यार ये पानी? आई मीन इससे ज्यादा सॉफ्ट तो मेरे आरओ के अंदर आता है भाई। ये 60 रुपए का है, और जो लोग इसको खरीद के पीते हैं ना, मैं तो रिव्यू कर रहा हूँ तो मैं तो बख्श दिया जाऊंगा, पर जो लोग खरीद के पीते हैं ना इस पानी को इस कैन के अंदर से, क्या होगा भाई तुम लोगों का? ये जनता माफ नहीं करेगी। ये वाला डायलॉग ऐसे लोगों के लिए बना है सच में। खैर और क्या क्या है भाई, देखो मेन कोर्स में आज 2-3 मस्त मस्त चीजें हैं, दिखाऊंगा नहीं ढंग से, बाद के लिए बचाऊंगा, वरना तुम वीडियो देखोगे नहीं पूरी, ऊपर ऊपर से देख के चले जाओगे। और हाँ, सब्सक्राइब कर दिया करो भाई, सब्सक्राइब नहीं कर रहे। ओ यार ये ना बड़ी मस्त सी चीज़ मुझे मिली है, इसके ऊपर कुछ ग्लोबल नंबर 1 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का कुछ कुछ है। लेट मी रीड। और वहाँ पे 4 फ्लेवर्स अवेलेबल थे पॉकी के, और मुझे नहीं पता यार ये कहाँ का ब्रांड है। ओ लिखा हुआ है, सॉरी, दिस इज इंडोनेशियन ब्रांड, एंड दिस इज चॉकलेट फ्लेवर की पॉकी, कुकीज एंड क्रीम, पूरी पूरी अगरबत्ती वाली वाइब दे रही है। ओ नाउ यू नो व्हाट आई मेंट। भाई क्या खाना है क्या इसको? आर यू श्योर? भाई बहुत सही है यार, बहुत स्मूथ टेक्सचर है इसका, पूरी पूरी क्रीमी वाइब आ रही है इसके अंदर से, और इसका प्राइस है 125 रुपीज। भाई 125 रुपए के लिए तो सही चीज है यार। अब क्या निकालूं? ओ ये मठिया ना, इससे ट्रिपल क्वांटिटी की मेरे घर के पास 50 रुपए की मिलती है, 50 या 60 रुपए की मैक्सिमम, और ये है 160 रुपए की, क्योंकि ये है इटालियन मठी। भाई देसी इंडियन मठी तो सुनी है मैंने, आई होप इसके अंदर कुछ ना कुछ अलग फ्लेवर हो, नहीं हुआ ना तो भाई देख लो, प्रेग्नेंट से तो कुछ पता नहीं चल रहा, नॉर्मल इंडियन मठी लग रही है मुझे। भाई इसके अंदर अलग पता है क्या है? ये नॉर्मल इंडियन मठी है, बस इसके अंदर इन्होंने थोड़ा सा ओरिगैनो डाला है, बस यही फर्क है इसके अंदर। वैसे सच बात बताऊं, रेट अगर थोड़ा इसका ठीक हो ना तो ये मैं रेगुलर खा सकता हूँ, फ्लेवर बढ़िया आ रहा है भाई ओरिगैनो के साथ, आई मीन जो ब्लेंड आ रहा है मठी का, यूनिक फ्लेवर है, नया नया सा है। और नेटफ्लिक्स देखते देखते रात में साथ में खाने में बड़ा मजा आएगा। और क्या है भाई? यार ऐसे लेस देखे तुमने? मतलब प्रिंगल्स तो देखे होंगे, बट लेस का ये डब्बा ना, ये इंडियन तो नहीं है, ये कहीं बाहर से आया हुआ, इंपोर्टेड है फॉर श्योर। उस समय भाई वीडियो बनानी थी, मैं देख नहीं पाया कहाँ से आया हुआ है। और इसके 6-7 फ्लेवर्स थे वहाँ पे, मैं ये बफेलो विंग फ्लेवर लेके आया हूँ, पता नहीं क्या फ्लेवर है, आई डोंट नो, टेस्ट करना तो बनता है भाई। अरे यार मेड इन वेयर बता तो दो, मेड इन मेक्सिको, दिस इज मेक्सिकन, आई डोंट नो कि आपको नज़र आ रहे नहीं, बट चलो मैंने बता दिया, मान लो भाई, झूठ थोड़ा बोलूँगा तुमसे। और रेट है इसका 275 रुपीज़, 275 रुपये के चिप्स खा रहे हैं आज हम। भाई चिप्स थोड़े थोड़े से ना टूट गए हैं, पूरी प्रिंगल्स वाली वाइब है, मसाला जो भी है वो सीजनिंग जो मर्जी कह लो ऊपर ऊपर लगी है, पीछे कुछ है नहीं। ओह दिस इज सम गुड स्मोकी फ्लेवर, पैकेजिंग बढ़िया लगी मुझे। खैर एक और चिप्स का पैकेट है मेरे पास, लाइन एंड मिंट पफ्स। यार ये मुझे नहीं पता आपकी लोकेलिटी में मिले ना मिले, बट यहाँ पे थे, मैंने खाए नहीं, और मुझे प्राइस वाइज थोड़े ठीक लगे, 30 रुपीज़ का पैकेट था, तो मैंने कहा क्यों ना लेट्स गिव इट अ शॉट। भाई ये तो लोडेड विद मसाले हैं, पता है फ्रेगनेंस कैसी आ रही है? वो जो 5 रुपए का ओएस का पैकेट आता है ना, एकदम डिट्टो फ्रेगनेंस। कुछ ऐसी शक्ल है
लग रहे होंगे कुरकुरे जैसे हैं, बट कुरकुरे जितने हार्ड नहीं है और फन फ्लिप्स जितने सॉफ्ट नहीं है, कुछ ऐसा सीन है इनका। भाई देखो इसमें कुछ यूनिक तो नहीं है, बट क्योंकि फ्रेश फ्रेश आए थे और मेरी नज़र लग गई थी इन पे, तो मैंने कहा यार ये छोड़े तो नहीं जाएंगे, वैसे इतने क्यूट से लग रहे हैं। ओहो हो, मेरी क्रिसमस की याद आ गई भाई। ये लास्ट बाइट थी, अब ये मैं मेन कोर्स के बाद में खाऊंगा। मेन कोर्स के लिए मैं लाया हूँ फ्रोजन बटर चिकन, और साथ में सोचा कि भाई ये बेगल उठा लूँ, इसको मैं काटूंगा, बटर चिकन गरम करूंगा, इसके अंदर डाल के खाऊंगा, ओहो मज़ा आ जाएगा। एंड खैर ये मेन कोर्स तो नहीं है, आप इसे स्टार्टर्स और मेन कोर्स के बीच में कहीं लगा लो। दिस इज़ फलाफल, मैंने उनसे पूछा था ये डिप है इसके अंदर या नहीं, उन्होंने मुझे बोला था हाँ है, बट मुझे पूरे पूरे शक हैं, अगर नहीं हुई खरा चुके हैं ना, अब क्या ही कर लेंगे हम। इसके अंदर वो डिप तो नहीं है, और मैंने एक चीज़ नोटिस की है, चाहे वो फूड हॉल हो मॉडर्न बाजार हो, दोनों के जो सेल्स पर्सन होते हैं ना भाई, कतई डम, कुछ नहीं पता होता उन्हें, मतलब मोटी मोटी चीज़ें पता होती हैं कि भाई ब्रेड कहाँ रखी है और चिप्स सेक्शन कहाँ है, पर अगर कोई स्पेसिफिक चीज़ मांग लो ना तो उनको अपने सीनियर को बुलाना पड़ता है, ये एक बड़ी दिक्कत है भाई। इसको यार एयर फ्रायर में डालना है, एंड बटर चिकन को भाई हमें डालना है, किसके अंदर डालना है, माइक्रोवेव में भी कर सकते हैं, स्टोव पे कर सकते हैं, मैं माइक्रोवेव में करूँगा, स्टोव जलाऊँ फिर उसके ऊपर कढ़ाई रखूँ फिर एक खोल के कढ़ाई में डालूँ, इतनी मेहनत मैं नहीं कर रहा। गाइस चेक आउट दी फलाफल, बढ़िया से बन गए हैं, बस इसके साथ में यार हमस मिल जाती और पीटा ब्रेड मिल जाती, उसके अंदर रोल करके खाता यार क्या मज़े आते। वैसे नॉर्मली यार इसका फ्लेवर ना वो हरे भरे कबाब जैसा होता है, कुछ कुछ मुझे बहुत सही लगते हैं, अगर इसके साथ में ग्रीन चटनी या मेयो भी मिल जाए ना ये और अच्छा लगेंगे। डिप कोई ना कोई तो देनी चाहिए थी इनको। खैर भाई दिस इज़ माई बटर चिकन, और कुछ खास भाई वाइब आ नहीं रही इसके अंदर से यार। इसके अंदर 5 पीस चिकन है इतने बड़े बड़े, एंड टेस्ट करके देखूं। ओह भाई बहुत टैंगी है, बहुत ज़्यादा। मुझे पता है तुम लोगों को क्रीमी बटर चिकन पसंद है, इनफैक्ट बटर चिकन वैसे नॉर्मली होता ही क्रीमी है, बट इसके अंदर यार वो क्रीमीनेस इतना ज़्यादा नहीं है, मतलब टमेटो का पंच कुछ ज़्यादा ही आ रहा है। और भाई दिस इज़ बेगल, इसको मैंने ऐसे तोड़ दिया है, इसके अंदर वैसे नटेला लगा के खाऊं तो भाई ओफ क्या मस्त लगता है, बट फॉर अ चेंज इसके अंदर मैं बटर चिकन की ग्रेवी लगाऊंगा और चिकन डालूंगा और फिर उसे सैंडविच की तरह खाऊंगा एकदम ऐसे। आई होप फ्लेवर बढ़िया है यार, तंदूरी बेगल जैसी वाइब आ रही है अब, सही लग रहा है वैसे तो, बस ये मुझे मल्टीग्रेन ब्रेड नहीं लेनी चाहिए थी, इसके जो ऊपर जो सीड्स हैं ना भाई पूरी पार्टी रून कर रहे हैं वो। भाई अब क्या पूरा बेगल मुझे ख़त्म करते हुए देखोगे क्या? वीडियो को लाइक करो यार, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, हमें हमारे इंस्टाग्राम पे कर लो फॉलो, कर लिया करो यार, फ्री है फॉलो करना तो। एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए हैप्पी ईटिंग।